हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी जैसे आप देख रहे हो, एज़ वी एक्सपेक्टेड जनवरी आया और निफ्टी में मैंने आपसे कहा था ना कोई रीज़न के वजह से एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग। अभी तक तो दिस इज़ लुकिंग लाइक प्रॉफिट बुकिंग ओनली। यू कैन नॉट से दैट दिस इज़ अ करेक्शन बिकॉज निफ्टी इज़ टेकिंग सपोर्ट एट क्रूशियल लेवल्स। तो जब तक निफ्टी क्रूशियल लेवल्स पर सपोर्ट ले रहा है, ये एक तरह का आप समझो न्यू ईयर का प्रॉफिट बुकिंग ही है, जो कि एक्सपेक्टेड था। और ये हेल्दी होता है मार्केट के लिए जब तक निफ्टी नीचे के लेवल्स को तोड़ के गिरे नहीं। देखिए, मेरा फाइनल सपोर्ट ऑन द निफ्टी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी एक दो दिन का चाल देख लेते हैं निफ्टी का। ये वीडियो में आई एम गोना टेल यू इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर समबडी हु इज़ लर्निंग इन्वेस्टमेंट्स और इवन ट्रेडिंग फॉर दैट मैटर। ट्रेडर्स के लिए भी, कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो तो उनको पता है सारे लेवल्स, बट फॉर न्यू ट्रेडर्स वॉच आउट फॉर स्टॉक्स इन दिस करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग व्हाटएवर, जो निफ्टी में नहीं हैं और ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, और वो कहाँ जाके करेक्शन में या गिर रहे हैं। आर दे मेकिंग अ बेस अराउंड सर्टन लेवल, एंड इफ़ दे आर मेकिंग अ बेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, टाटा टेक्नोलॉजीज़ मैंने कल बताया, वो एक लिमिट के नीचे फिलहाल आपको बता रहा है कि मैं गिरने के लिए रेडी नहीं हूँ, 1150 अप्रॉक्सीमेटली। तो वहाँ वो एक बेस बनना, मतलब उधर ही उधर घूम के ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बेस बना रहा है। दैट वॉज एन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल आई गेव यू वॉज विनती ऑर्गेनिक्स अर्लियर मेकिंग अ बेस। तो ऐसे ये दोनों तो अच्छा, ऑल स्टॉक्स डिस्कस्ड आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये डिस्क्लेमर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लियरली दिया हुआ है। तो दूसरे एग्जांपल्स आपको क्या देखना है, विच आर दो स्टॉक्स विच आर करेक्टिंग बट नॉट रेडी टू गो बियॉन्ड अ लेवल, एंड इफ़ दैट लेवल इज़ आइदर अ 50 डेमा और 200 डेमा, यानी 50 डे मूविंग एवरेज है या 200 डे मूविंग एवरेज है, कहीं भी अगर वो ऐसे सपोर्ट ले रहा है, दैट इज़ एन इंडिकेशन कि ये स्टॉक अभी इस लेवल तक गिरा और इसको तोड़ने के लिए फ़िलहाल मूड में नहीं है। मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, जैसे ही गिर रहा है फॉर श्योर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट वो डेमा अगर 200 डेमा या 50 डेमा है, सो दैट्स अ वेरी क्रूशियल लेवल ऑफ सपोर्ट। एंड इफ़ इट्स टेकिंग सपोर्ट ओवर देयर, then all these kind of stocks can bounce back whenever the Nifty or whenever the broader markets decide to move up. I'll see you in the next video very soon, guys.